श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, जीवन को दिशा देने वाला, जीवन की धारा बदलने वाला और हमें एक अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला, भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने वाला खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना। हम प्रतिदिन इस कार्यक्रम में नए नए विषयों को लेकर प्रवेश लेते हैं। उसी क्रम में आज हम एक विशेष सांस्कृतिक मूल्यों से भरा हुआ विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विषय है प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सी संस्कृतियां हैं, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति है, हर जाति की अपनी अपनी संस्कृति है, हर हमारा जो पूरा महाद्वीप है उसकी अपनी एक संस्कृति है, लेकिन मुख्य रूप से पूरे विश्व को दो सांस्कृतिक क्रमों के अंदर विभाजित किया गया है और स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में दो तरह की संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है। वो संस्कृतियां हैं पाश्चात्य संस्कृति और प्राच्य संस्कृति, ईस्टर्न कल्चर एवं वेस्टर्न कल्चर, पूर्व की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति। हमारा भारत पूर्व की संस्कृति में आता है, प्राच्य संस्कृति में आता है और प्राच्य संस्कृति के मूल्य बहुत डीप है और बहुत ही गहन है। इसी कारण पूरे विश्व को भारत ने मानवता का पाठ पढ़ाया, इसीलिए भारत को धर्म गुरु देश कहा जाता है। अब हम दोनों संस्कृतियों के बारे में जानकारी करेंगे कि उनके क्या सिद्धांत है और वो उनकी क्या मान्यता है, किस तरीके से वो अपनी संस्कृति का निर्वाह करते हैं, और फिर दोनों संस्कृतियों के अंतर संबंध की बात करेंगे, एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि दोनों संस्कृतियों के मेल मिलाप से, ब्लेंडिंग से, अंतर संबंधता से क्या लाभ होंगे और क्या हानि होगी। सबसे पहले हम भारत की संस्कृति, प्राच्य संस्कृति को लेते हैं। ईस्टर्न हमारी सिविलाइजेशन है, ईस्टर्न कल्चर है, उसमें हमने प्रारंभ से ही आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर, जगत, इन चीज़ों की व्याख्या प्रारंभ से ही की गई है। अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर न जाऊँ तो हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स जो वेद हैं, उन वेदों के लिए कहा जाता है कि ईश्वर कृत है। उन वेदों के अंदर हमारी प्राच्य संस्कृति के मूल तत्वों का, मूल घटकों का बहुत ही विस्तृत से वर्णन किया गया है और आत्मा, परमात्मा, लोक प्रलोक की बहुत बात की गई है। हमने प्रारंभ से ही यही कॉन्सेप्ट लिया है, हम मात्र भौतिक स्थिति तक नहीं रुके हैं, हम प्रारंभ से आध्यात्मिक जगत में गए हैं, आध्यात्मिक बातें हमने प्रारंभ से की है, इसीलिए हमारी संस्कृति बहुत गहन संस्कृति है और हमारी संस्कृति के जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सभी तरह के मूल्य जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही आदर्शवादी है। अब मैं भारतीय संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे मूल तत्व क्या है। भारतीय संस्कृति के या प्राच्य संस्कृति के मूल तत्व यह है कि सृष्टि का नियंता ईश्वर है, इस सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है। और हमारे भारत में आज हम विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर 55 तरह के भारतीय दर्शनों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उसके ऊपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट की पूरी पढ़ाई की जाती है। यानी एक समृद्ध हमारे पास सिलेबस है, समृद्ध सामग्री हमारे पास में, हर चीज़ का विवेचन है, एक एक फिलॉसफी का है। और ये सारी फिलॉसफी जो है वो
जो आत्मा में विश्वास करती है उनको जो है वो आत्मा में विश्वास करने के कारण उनको सकारात्मक संस्कृति कहा जाता है। और दूसरी ऐसी संस्कृति एक चार्वाक संस्कृति है जो कि आत्मा के अंदर और ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं करती है, उनकी अपनी फिलॉसफी है। तो इसीलिए जो आत्मा में विश्वास करने वाली संस्कृति है उनकी हम बात करेंगे। हम वेदों को लें, उपनिषदों को, स्मृतियों को, ब्राह्मण को, पुराण को, त्रिपिटक है हमारे और हमारे आगम हैं और गीता, इसके साथ साथ के अंदर बहुत सी वेदांत है। वेदांत के अंदर द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत और विशेषाद्वैत वेदांत, मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और हमारी उत्तरोत्तर मीमांसा, योग संस्कृति, सांख्य संस्कृति, इस तरीके से बहुत से धर्म दर्शन जो है वो हमारे यहाँ पर जो है इसके अंदर भारतवर्ष के अंदर मौजूद है। सभी ने ईश्वर के अंदर विश्वास किया है, आत्मा में विश्वास किया है, कर्म में विश्वास किया है और पुनर्जन्म के अंदर विश्वास किया है। इसीलिए ये संस्कृतियाँ भारतवर्ष के अंदर मनुष्य को संतुलित रखती है। इस हमारी प्राच्य संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये व्यक्ति को इस तरीके से एक दायरे में रखती है कि व्यक्ति अवगुणों की तरफ नहीं जाता है, वह कहीं न कहीं इस संस्कृति के प्रभाव में रहता है और वो विचलित नहीं होता है। उसके साथ साथ के अंदर बुरी से बुरी घटना घटित हो जावे, कोई शोक हो जावे, कोई गम हो जावे या कैसी भी परिस्थिति आवे, उसमें वह अपने आप को संभाल लेता है। जगत की बात करें तो हमारी ये प्राच्य संस्कृति बताती है कि इस जगत चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनियाँ हैं और उसमें जीवा योनियाँ मतलब जीव जहाँ उत्पन्न होते हैं और उन जीवों के उत्पत्ति स्थानों में असंख्य जीव है और असंख्य जीव अपना जीवन यापन करते हैं और वो सारा जीवन यापन इस सृष्टि में करते हैं। जितने भी प्राणी हैं अपना सारा भरण पोषण इस सृष्टि से करते हैं, लेकिन हर एक की आत्मा अलग है, उसको जीव भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है और आत्मा कर्मों से आवृत है, कर्मों से बंधी हुई है। हर जन्म के अंदर जैसे वो भले बुरे कर्म करती है, पुण्य पाप का संचय करती है, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है और उस फल के अनुसार उसके अधीन ही उसका जीवन बनता है, अच्छा या बुरा बनता है। किसी व्यक्ति को सुख मिलना होता है वो पुण्य के द्वारा मिलता है, दुख मिलता है पाप के द्वारा मिलता है। यानी ये पुनर्जन्म की व्यवस्था होने के कारण ये हम जन्म जन्मांतर का जो है आपस के अंदर सिलसिला या साइकिल जो है ये चलती रहती है। हमारी ये प्राच्य संस्कृति मात्र वर्तमान जीवन को ही नहीं मानती है, वह कहती है कि जीव का या आत्मा का पहले भी कोई भव था और आज भी उसका जीवन है और आने वाले समय में भी जीवन रहेगा। और हमारी इस संस्कृति के अंदर चतुर्थ पुरुषार्थ की अवधारणा दी गई है। चतुर्थ पुरुषार्थ क्या होता है? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। हर व्यक्ति या हर प्राणी है अर्थ और काम से प्रभावित होता है और उसका जीवन उससे संचालित होता है, लेकिन विशेष प्राणी होते हैं, खास करके इस सृष्टि का विशिष्ट प्राणी जो होता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। तो मनुष्य जो है उसके पास में विकसित दिमाग होने के कारण वो धर्म की श्रेणी में जाता है, वो गुणों की श्रेणी में जाता है, वह समाज की सेवा करता है, सृष्टि का संरक्षण करता है और सृष्टि को कई अवदान देता है, जगत कल्याण करता है और धीरे धीरे वो अच्छे कार्य करके और अपनी आत्मा जो पुण्य पाप के कर्मों से बंधी हुई होती है उसको स्वच्छ करके, उन कर्मों को दूर करके शुद्ध अवस्था जो मोक्ष की अवस्था है उसकी प्राप्ति करता है। इस तरीके से हमारी संस्कृति के अंदर बहुत ही संतुलन है और गुणों को विशेष स्थान दिया गया है, चरित्र को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। और यहाँ पर दो तरह के जीवन माने जाते हैं, एक ग्रस्त जीवन होता है, एक संन्यास का जीवन होता है। ग्रस्त जीवन के अंदर व्यक्ति शादी करता है, अपने परिवार बनाता है, परिवार का भरण पोषण करता है,
परिवार के अंदर रहता है और कई परिवार मिलकर के एक समाज बनते हैं और कई समाज मिल बनकर के एक प्रांत बनता है, कई प्रांत बनकर के एक देश बनता है और कई देश बनकर के ये सारा विश्व बनता है, ये सारी सृष्टि बनती है। और वो अपनी अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, अपने अपने संस्कृति के सिद्धांत के आधार पर, संस्कृति की मान्यताओं के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर इतनी हमारे धर्म दर्शन होने के बाद भी एक विशेष बात यह है कि यूनिटी अमोंग डाइवर्सिटी, भारतवर्ष के अंदर बहुत से मत मतांतर है, बहुत से विचार है, बहुत से धर्म दर्शन है, बहुत सी संस्कृतियां हैं, लेकिन उन सब के बाद भी इसके अंदर यूनिटी है। यानी भारत में ऐसे संस्कार प्रारंभ से दिए गए हैं कि सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है, कि हर व्यक्ति भाई भाई है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है वसुधैव की है, ईश्वर की है, हम सभी 7 अरब की जनसंख्या वाले ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए भाई भाई हैं। भाई भाई होने के कारण हमारे बीच के अंदर भाईचारा होना चाहिए, हमारे बीच के अंदर किसी तरह की फूट घृणा ईर्ष्या की बात नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे को सुख दें, एक दूसरे को सुख न, किसी को दुख न दें। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे जगत कल्याण करने की शक्ति दो और मुझे जगत का मैं अच्छा से अच्छा सेवा कर सकूं, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ईश्वर से मांग की जाती है। यहाँ पर ईश्वर प्राणिधान की बात है, ईश्वर के अंदर विश्वास किया जाता है और ईश्वर को सर्वसत्ता के रूप में माना जाता है। हम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग और ध्यान योग के अंदर विश्वास करते हैं, जिसका कि विवेचन गीता के अंदर बहुत अच्छी तरह से किया गया है। दर्शकगण, श्रोतागण, हमने काफ़ी समय से विषय के ऊपर गहन मंथन किया। अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने के लिए थोड़े समय के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। अपने आप को तरोताजा महसूस किया और अब दिमाग एकदम शांत है, फ्रेश है। हम पुनः जो आज का हमारा निर्धारित विषय है उसके ऊपर हम विवेचन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये संस्कृति बहुत महान है, बहुत गहन है और बहुत ज्ञान वाली है। ये संस्कृति कहती है कि सब दुखों का कारण अज्ञान है। हम जो ही अज्ञान को दूर करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर एक प्रकाश होता है। हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित तो है ही है, दूसरे को भी प्रकाशित करती है सत्संग के द्वारा, और दूसरे को जो है ज्ञान दे करके वो प्रकाशित करती है। तो ऐसी आत्मा हर प्राणी के अंदर होती है और हर प्राणी की आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, अनंत ज्ञानमय है। ऐसी हमारी आत्मा की परिभाषा है, ऐसी हमारी आत्मा की अवधारणा है। अब हम थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति के बारे में कहेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति के मूल के अंदर पदार्थ है, हमारे मूल में चेतना है, हमारे केंद्र में चेतना है, उनके केंद्र के अंदर पदार्थ है। इसीलिए और दोनों संस्कृतियां वो सत्य की खोजी है, उनका उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है और हमारी संस्कृति का उद्देश्य भी सत्य को प्राप्त करना है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ऐसा हमारी संस्कृति मानती है। लेकिन क्योंकि वह मैटर सेंटर्ड है इसीलिए उनका विवेचन मैटर पर है। मैटर को हम भौतिक कहा कहते हैं, हम पुद्गल कहते हैं, हम जड़ कहते हैं। तो जड़ के आविष्कार के लिए, जड़ के विवेचन के लिए उन्होंने जो कई तरह के आविष्कार किए, और कई तरह के आविष्कार जो आज बिजली का आविष्कार है, आज पहिए का आविष्कार है,
बड़े बड़े कल कारखानों का आविष्कार है और प्रकाश का आविष्कार है, ध्वनि का आविष्कार है, ये ज़्यादातर वहाँ से हुए, क्योंकि उन्होंने जो भौतिक लेबोरेटरी है उसको आधार माना और उसके अंदर कई प्रयोग करते रहे, शोध करते रहे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को जो है लेबोरेटरी माना और उस शरीर से सत्य की खोज की, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है, मूल हमारी और उनकी संस्कृति के अंदर अंतर यह है। वो संस्कृति बहुत गहरी नहीं जाती, वो इस शरीर तक सीमित है, वो बुद्धि तक सीमित है, कि वो पदार्थ का संबंध बुद्धि से है और चेतना का संबंध है प्रज्ञा से है। पदार्थ कहता है कि जो कुछ हमारी बुद्धि निर्णय करती है, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ लेबोरेटरी के अंदर हम सिद्ध करते हैं, उसी को हम सत्य मानते हैं। और जो प्रज्ञा के जगत के अंदर जाता है, प्राच्य संस्कृति कहती है कि इस भौतिक जगत के आगे भी एक पारलौकिक जगत है, वह प्रज्ञा का जगत है, वो अवचेतन मन का जगत है, वह तेजस शरीर का जगत है, उसके अंदर सत्य मिलता है, उसके अंदर कोई तरह के शब्द नहीं है। वो लोग प्राच्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति शब्दों पर काम करते हैं, पुद्गलों पर काम करते हैं, लेकिन हम चेतना के जो भीतर जाते हैं, हम अवचेतन मन के दायरे में जाते हैं, तो हमारी ये भौतिक शब्द समाप्त हो जाते हैं और वहाँ पर सब वाइब्रेशन चालू हो जाती है। उस वाइब्रेशन के अंदर हमको सत्य की खोज होती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, एक सत्य का पुंज मिलता है और वो सबको एक सा मिलता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के जो जो महान पुरुष हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, वो और राजा जनक हुए हैं, और जो इस तरीके से जो लोग हमारे भीतर गए हैं, उन्होंने भीतर के संसार को पकड़ा है, वो ध्यान की पराकाष्ठा तक गए हैं, तो उन्होंने उस भीतर के सत्य की खोज की है। अब आप देखिए कि दो पक्ष बन गए हमारे पास, एक तो बन गया भौतिक पक्ष और एक आध्यात्मिक पक्ष। अब प्रश्न यह है कि दोनों का हम अंतर संबंध करते हैं, हमारा लौकिक जगत उसमें हम रह रहे हैं, उसके अंदर भौतिक व्यक्ति को रहना आवश्यक है, क्योंकि हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी भरण पोषण भौतिक जगत से होता है और भौतिक जगत के अंदर हम काफी समय तक रहते हैं, इसलिए उस जगत को हम नकार नहीं सकते, पाश्चात्य संस्कृति को हम नकारते नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी प्राच्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के, उसका अध्ययन करके, जो बड़े बड़े जो कांट है और जर्मनी के जो है टॉलस्टॉय है, रस्किन है, और उसके बाद के अंदर बड़े बड़े जित प्लेटो और एरिस्टोटल, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने भी आत्मा को माना, मन को समझा, भीतरी जगत को प्राथमिकता दी, और लेकिन जो आत्मा की गहनता, पुनर्जन्म की गहनता, जगत की गहनता हमारे यहाँ मिलती है संस्कृति के अंदर, उतनी वहाँ नहीं मिलती है। खैर, जो भी हो, ये अपने दोनों के दायरे हैं। अब ये इस विश्व के अंदर दोनों संस्कृतियां आपस में हिलमिल कर रह रही है और उनको रहना चाहिए, क्योंकि ये जगत के अंदर 7 अरब की जनसंख्या में सबको जीने का अधिकार है। कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, और किसी को किसी की जान लेने का, किसी को किसी की हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। इसीलिए अपनी अपनी मान्यता, इसको धार्मिक मान्यता कहा जाता है, ये अपने अपने संविधान के अंदर सबको स्वतंत्रता दी गई है। इसीलिए दोनों संस्कृतियों के अंदर सर्वधर्म संभाव है और वह होना चाहिए, क्योंकि मान्यता अपनी अपनी है, सिद्धांत अपना अपना है, धार्मिक स्वतंत्रता है, हरेक को अपना अपना चिंतन करने की स्वतंत्रता है कि दोनों के अंदर होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पिछले 50-60 साल में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब इंटरनेट आया, जब टीवी की संस्कृति आई, जब मोबाइल आए, तो हम दोनों संस्कृतियों का बहुत, और हमारे लोग विदेश के अंदर जाने लगे। पहले लोग, आज से 50 साल पहले लोग विदेश में बहुत कम जाया करते थे, लेकिन साधन होने के बाद, हवाई जहाज
की अच्छी पोजीशन हो गई, जहाजों की अच्छी स्थिति हो गई। पहले लोग मात्र थोड़े जो आवश्यक होते थे वो जहाजों के माध्यम से जाया करते थे, कोलंबस वगैरह। कई लोगों ने जो विश्व की खोज की है वो जहाजों के माध्यम में की, लेकिन बाद में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज आए, तो अब सारा विश्व एक ग्लोबलाइजेशन के कारण एक परिवार के रूप में, गांव के रूप में हो गया। हर जगह की हर संस्कृति का मालूम हर व्यक्ति को पड़ता है, टीवी के, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए दोनों संस्कृतियाँ मोटे मोटे तौर पर मिक्सअप हो गई है। लेकिन अब हुआ क्या है कि हमारी जो नई जनरेशन है उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा अपना लिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन बुरी नहीं है, उसकी हम निंदा नहीं करते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने रूप में है, वो अपने सिद्धांतों में है, हमारे सिद्धांत अलग है। जैसे हमारे, मैं नाच की बात कहूँ तो रॉक एंड रोल डांस वगैरह, और जो है शरीर पर कम वस्त्र होकर के नाचना, बार में जाना, शराब पीना, मदिरा पीना और मीट खाना, एक दूसरे के साथ एंटरटेनमेंट करना और डाइवोर्स एक मामूली सी बात होती है, लेकिन ये चीज़ें हमारी संस्कृति में परमिटेड नहीं है। हमारी संस्कृति में पारिवारिक व्यवस्था के अंदर जब साथ फेरे दिलाए जाते हैं तो ये कहा जाता है ये सात जन्मों का साथ है, यानी एक पत्नी के साथ में पूरा जीवन हमें यापन करना है, और एक पत्नी को छोड़ करके इस विश्व की सब समस्त स्त्रियां हैं, छोटी है, बेटियां हैं, बहनें हैं, बड़ी माएँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन वहाँ पे इसका कोई स्पष्ट रूप नहीं मिलता है। हमारे यहाँ परिवार सिस्टम है, वहाँ पे परिवार सिस्टम की इतनी सुंदर व्याख्या नहीं है। वहाँ होता है पति पत्नी होता है और बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चे को वो कभी भी जो है बच्चा गृह के अंदर छोड़ देते हैं, और खुद जो है कोर्ट के आधार पे खुद डाइवोर्स करके कोई बच्चा किसके साथ रहे, कोई ना रहे, कोई ऑर्फन्स हाउस में रहे, मतलब वहाँ पूरी स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वृद्धों को जो है एक ईश्वर के रूप में माना गया कि ये संसार के तीर्थ है, वृद्धाश्रम हमारे भारत के अंदर ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रभाव के कारण हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारा चिंतन सभी बदल गया। यानी हमने, मैं निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जरूरत से ज़्यादा अपना लिया है। और अब उन लोगों ने क्या किया है जो हमारे भारत में आए, हमारे साहित्य को पढ़ा, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, हमारे होली मंदिरों वगैरह में प्रार्थना की, तो जो अच्छी अच्छी बातें थी, वैराग्य की बातें, तपस्या की बातें, अनाशक्ति की बातें, ध्यान की बातें, वह उन्होंने अपनाया और अपने जीवन को उन्होंने सात्विक बनाया। वो मांसाहार से शाकाहारी बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने हमारे गुणों को लिया, लेकिन उसकी संस्कृति के हमें अवगुण तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमको सूट नहीं करते हैं, जंक फूड हमको सूट नहीं करता है, और बाहर की शराब की, स्त्री की, मीट की, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अपनाने के कारण हमारी संस्कृति भ्रमित हो गई, हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अब निष्कर्ष के तौर पे समय की अल्पता को देख करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों संस्कृतियाँ अपने अपने आप में अच्छी है, उनको स्वतंत्रता है, लेकिन एक दूसरे से कितने प्रभावित हो हमें देखिए कि दुनिया के अंदर कांटे और फूल दोनों हैं, गुण और अवगुण दोनों हैं। व्यक्ति को गुणों की ओर जाना चाहिए, और इस सृष्टि में से ज़्यादा गुण हो वो गुण अपने जीवन में धारण करने चाहिए, और अपने जो अवगुण हैं वो अवगुण निकालने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर एक भी अवगुण नहीं हो, और हमारे विचार के अंदर कोई नेगेटिव थॉट सुबह से शाम तक आए नहीं। जब गुणों की ओर हम जाएंगे, पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, तब हमारा जीवन स्वतः ही जो अच्छा बनेगा, हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छा समाज बनेगा। हमारे यहाँ योग की पद्धति है, हमारे यहाँ दर्शन की पद्धति है, हमारे यहाँ ईश्वर भक्ति की पद्धति है। वो पद्धति हम हजारों हजारों साल से करते आ रहे हैं, और वो टेस्टेड पद्धतियां हैं, अच्छी पद्धतियां हैं। हम बिल्कुल भूल गए हमारी प्रणाम की संस्कृति, हमारे बुजुर्गों को साथ रखने की संस्कृति, बड़ों से आशीर्वाद लेने की संस्कृति, और परिवार में त्याग और सद्भावना और सहनशीलता के साथ रहने की पद्धति। लेकिन
वो तामसिक भोजन के कारण और इस तरीके के ज्यादा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रभाव के कारण हमारी सोच के अंदर बहुत बदलाव आ गया। यहाँ की फैमिलियाँ, संयुक्त फैमिलियाँ टूट करके हमारी वो विदेशी संस्कृति है उसके अनुरूप जो है न्यूक्लियर फैमिली होने लगी। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन टीवी चैनल 24 प्लस के द्वारा निर्धारित अच्छे अच्छे भारतीय संस्कृति के विषय, सत्संग, ज्ञान देने वाला, जीवन को अच्छा बनने वाला, गुणों को देने वाला, अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन आते हैं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। जगत का कल्याण हो, जगत के कल्याण के अंदर सहभागी बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोग आनंद से जीवें, सुख से जीवें, शांतिपूर्ण अस्तित्व से जीवें, प्रेम से जीवें। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आप सभी के प्रति शुभकामना मंगलमय।